हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर ब्रोज। मैं हूं जयेश और आज हूं मैं ISBT भाटा गांव रायपुर में, और आज हमारा ट्रैवल जर्नी होने वाला है रायपुर से रांची। तो गाइस, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं रायपुर से रांची तो वो है लगभग 600 किलोमीटर्स, और कवर करने में हम लोग को लगेंगे लगभग 12 से 13 घंटे। और गाइस, कुछ ही दिन पहले शिवना ट्रैवल्स ने फुल्ली स्लीपर 2x1 बस लॉन्च की है और उसी को कवर करने मैं आया हूँ रायपुर, और यहाँ से हम लोग वो बस को बोर्ड करके जाएंगे हम लोग रांची तक और देखेंगे क्या शानदार सर्विस है शिवना ट्रैवल्स का। वैसे मैंने शिवनात का एक और बस पहले भी कवर कर चुका है और बहुत शानदार रिस्पांस आया था उस वीडियो में, राइट। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, आप जा करके उसको देख सकते हो। तो गाइज, एग्जैक्ट 8 बजे हम लोग की बस आ चुकी है ISBT भाटा गांव, आप देख सकते हैं। तो गाइज, चलिए आपको इंटीरियर्स दिखाते हैं बस का। भैया लाइट जला दी। ये देखिए शानदार इंटीरियर्स बिल्ड बाय JCC जयराम कोच, ये शानदार इंटीरियर्स आप देख सकते हैं बस का, प्रॉपर लाइटिंग है आप देख सकते हैं, वाओ। तो जोधपुर से बन के आई है गाड़ी और इतना शानदार लाइटिंग हो तो वाह क्या बात है। आप देख सकते हैं डुअल जो सीट है बीच में उसमें पार्टीशन है, तो अगर आप नहीं जानते लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पार्टीशन है यहाँ पे। ऊपर में 2 मोबाइल के होल्डर्स मिल जाएंगे डुअल में, उधर डुअल AC वेंट्स है एक पैर के पास है, और लगेज रखने के लिए प्रॉपर बनाया गया है, और सेम सिंगल में भी वही है। यस, तो ये कुछ होने वाला है आज हमारा बस। मैं अंदर आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ प्रॉपर कंपार्टमेंट, आप देख सकते हैं राइट, केबिन्स बने हुए हैं और हर जगह आपको इधर चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे राइट, और एक बगल में आपको मोबाइल होल्डर्स मिल जाएंगे। तो एक पूरा केबिन देख सकते हैं, कुछ ऐसा केबिन है, और इधर आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए प्रॉपर ऐसा सीढ़ी बना हुआ राइट, दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे सीढ़ी, तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और प्रॉपर आइशर की बस है। बस का फ़ायदा आप देख सकते हैं प्रॉपर, इधर आप स्टोरेज स्पेस देख सकते हैं राइट, यहाँ पे अपना आप लगेज रख सकते हैं, बहुत काफ़ी स्पेस दिया गया, आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया। बाकी आप ये इसका केबिन देख सकते हैं, प्रॉपर आइशर की बस है राइट। केबिन में आप देख सकते हैं आपको CCTV कैमरा मिल जाता है, और फैन मिल जाता है आपको, ऊपर में वूफर बॉक्स मिल जाता है, और क्या शानदार लेदर फिनिश है बस का। तो गाइज आप देख सकते हैं एकदम न्यू सर्विस है बस का, और बगल में देख सकते हैं जागीरदार की बस आ चुकी है इधर। गाइस, बाहर से भी बाहर का लुक देख सकते हैं आप, क्या शानदार लग रही है बस, बहुत शानदार लग रही है बाहर से भी शिवनाथ। बाकी गाइस, टाइम हो रहा है 8:15 और लगभग 9 बजे हम लोग यहां से निकलेंगे, बस हमारी आ चुकी है राइट, पीछे में देख सकते हैं ये बस आ चुकी है हमारी, और काफ़ी शानदार बस है शिवना ट्रैवल्स की आप देख सकते हैं, बिल्ड बाय JCC। बाकी कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं बहुत शानदार लगती है, और कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया है लाइट जल रही थी तो क्या अच्छी चमक रही थी बाहर से भी। बाकी अभी AC कुछ ऑन है नहीं, तो ऑन होता है तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाकी आप मैं आपको बता दूँ, ये बस आयुषर की चेसिस पर बनी हुई है और फुल्ली सस्पेंसन एयर सस्पेंसन ये बस है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है राइट, कहीं भी पत्ती वत्ती नहीं लगाया गया है, फुल्ली एयर सस्पेंशन ये व्हीकल है, टोटल व्हीकल, और VECV का चेसिस पे बनाया गया है इस बस को,
बहुत शानदार लगती है बाहर से और वैसे ही फिट एंड फिनिश अंदर से भी है। बाकी गाइज ऐसी शानदार बस इस रूट में रायपुर से रांची रूट में कोई भी नहीं चल रही है राइट, और ये स्टार्ट किया है शिवना ट्रैवल्स में, तो एक थम्सअप ज़रूर बनता है शिवना ट्रैवल्स को ऐसी सर्विस शुरू करने के लिए। बाकी बहुत सारी लोअर स्लीपर भी बसेस ऑलरेडी इस रूट पे अप्लाई करती है, लेकिन क्योंकि ये बस बहुत ख़ास है, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस होने वाला है काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे बताया है फुल्ली एयर सस्पेंशन व्हीकल है, तो कोई भी गड्ढे वड्ढे कुछ भी होंगे तो हम लोग को कुछ भी फील नहीं होने वाले हैं, प्रॉपर वॉल्वो बस जैसी फीलिंग आने वाली है। बाकी गाइस किराए की मैं बात करूँ तो रायपुर से रांची तक इस बस का किराया है लगभग 1100 रुपये, जो कि फ्लक्चुएट करते रहता है राइट। बाकी गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको मैं शिवना ट्रैवल्स का हेड ऑफिस का नंबर दे दे रहा हूँ, जहाँ पे जा करके आप कॉल करके बुक करा सकते हैं इस बस को। तो अगर आप कॉल करके बुक कराएंगे तो रेड बस से भी कम दाम पे आप इस बस को बुक करवा सकते हैं। बाकी अभी देख सकते हैं आप ISBT भाटागांव काफ़ी चमक दमक हो गई है और काफ़ी सारी बसेज यहाँ से खुल रही है। इधर नवीन देख सकते हैं आप, उसके आगे राधे कृष्णा, इधर पायल की ग्लाइडर्स देख सकते हैं, और इधर एक और शिवनाथ जो जसपुर तक जाता है, और ये अपनी वाली शिवनाथ आप देख सकते हैं। तो गाइज मेन दिक्कत इस रूट में ये आती है कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ते इस रूट में है राइट, जब हम लोग निकलते हैं जसपुर से रांची की ओर। लेकिन क्योंकि ये बस एयर सस्पेंशन है तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बस में जर्नी करने के लिए, क्योंकि एकदम भी फील नहीं होने वाली है वो सब जर्किंग। बाकी आप पीछे में एक और पायल की बस देख सकते हैं आप, बैला डीला जगदलपुर जाती है ये। और अगर आप ISBT भाटा गांव आते हो और आपको डायरेक्टली शिवनाथ का टिकट कटवाना है तो आप इधर देख सकते हो राइट, जैसे ही घुसते हो तो इस तरफ आपको शिवनाथ का ऑफिस मिल जाता है राइट, यहाँ पे डायरेक्टली जा कर के आप बस टिकट करवा सकते हो। G17 आप देख सकते हो दुकान का नाम, और भी कहीं किसी भी आदमी से टिकट कटवाने का ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली यहाँ पर आ कर के G17 में आ कर के अपना टिकट कटवा सकते हो। चलिए ले चलता हूँ आपको दुकान के पास, तो ये देखिए ये कुछ है ऑफिस शिवनाथ का, और ये अंकल मिलेंगे आपको कभी कभी, इनसे डायरेक्टली टिकट करवा सकते हो आप। बाकी सारी बसेस का फ़ोटो वोटो, पुरानी बसेस नई बसेस सबका फ़ोटोज यहाँ पे लगी रहती है। तो ये कुछ आप देख सकते हो ऑफिस शिवनाथ ट्रैवल्स का ISBT भाटा गांव में। बाकी फ़ोन नंबर मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और ये भैया भी रहते हैं राइट। भाई जी अंकल जी मिलेंगे, अंकल जी नाम बताइए अपना। रविंद्र गुप्ता, तो यहाँ पे रविंद्र गुप्ता जी मिलेंगे और इनसे आप टिकट करवा सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे, कहीं भी दूसरी जगह नहीं आना है आपको। G17 हुआ आपका शॉप का नाम ना जी, G17 में आपको आके टिकट कटवाना है शिवनाथ ट्रैवल्स का। बाकी शिवनाथ ट्रैवल्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो ढेर सारी बसेस चलती है इस रूट में शिवनाथ ट्रैवल्स की, रायपुर से जसपुर 2-3 बसेस चलती है, रायपुर से रांची, रायपुर से हजारीबाग, दुर्ग से हजारीबाग, तो ये कुछ रूट रहता है शिवना ट्रैवल्स का। तो अगर आप जर्नी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कॉल करके आप बुकिंग करवा सकते हो। बाकी पीछे आप देख सकते हो राजहंस की 2x2 लोअर स्लीपर बस भी आ चुकी है, पिछला बार भी मैंने आपको ये बस दिखाया था जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे राधे कृष्णा में, उसका भी व्लॉग ऑलरेडी लाइव है डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके चेक कर सकते हो या आई बटन में भी मैं डाल दे रहा हूँ। तो ये भी शानदार बस है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि 2x2 लोअर स्लीपर है, और हमारी जो है वो ब्रांड न्यू बस है और 2x1 फुल्ली स्लीपर बस है ये। बाकी गाइज अगर आप कभी भी रायपुर बस स्टैंड आ रहे हो तो आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर्स सब घूमते रहते हैं राइट, तो आपको ब्रोकर्स उनसे नहीं टिकट करवाना है। अगर आप सस्ते टिकट चाहते हो तो आप जा करके डायरेक्टली बस का काउंटर पे पता कीजिए कि किधर है उसका ऑफिस राइट, और फिर वहाँ से आप टिकट कटवाइए। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:50 और बस को स्टार्ट कर दिया गया है, AC वेसी ऑन कर दिया गया। इधर हमारे हैं ड्राइवर भैया, नाम बताइएगा भैया आप अपना। संतोष यादव, कितना साल से ड्राइव कर रहे हैं आप? 8-10 साल। बहुत शानदार, और शिवनाथ में कब से हैं आप? शिवनाथ में 4 साल हो गया। 4 साल हो गया, तो बहुत शानदार। तो भैया हम लोग को कहाँ तक ले जाइएगा आप? रांची तक लेके जाइएगा। तो चलिए, तो गाइज एग्जैक्ट टाइम हो गया है 8:57 और हम लोग निकलने के लिए एकदम तैयार है, बस हमारी बस निकल ही रही है ISBT भाटा गांव से।
गाइज एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग निकल चुके हैं ISBT भाटा गांव से। इसे आप पंक्चुअलिटी देख सकते हैं सेवना ट्रैवल्स की। CCTV में देख सकते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है केबिन का। वो देख सकते हैं CCTV कैमरास। हमारे साथ हैं शिवनाथ ट्रैवल्स के मैनेजर साहब। तो क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, और कितने साल से आप शिवनाथ ट्रैवल्स के साथ हैं? 20 साल हो गए। तो आप देख सकते हैं क्या शानदार तजुर्बा है सर का। और रायपुर से निकलने और सब देख रेख बस इन्हीं के अंडर में रहता है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार आपका बस है और काफ़ी चमकदार रखते हैं आप इसको। बाकी गाइज अभी मैं आके बैठ चुका हूँ लोअर स्लीपर में और ये देख सकते हैं सामने से कुछ आपको ऐसा दिखेगा। सामने में बॉटल होल्डर है, यहाँ पे सामान रखने के लिए जगह है और ऊपर में एक AC वेंट है और प्राइवेसी के लिए कर्टेंस तो गाइज हैं ही, राइट। उसके साथ आप देख सकते हैं ये केबिन भी बन जाता है। तो ये देख सकते हैं आप इसको पुल कर करके आप बंद कर सकते हैं और प्रॉपर आपका एक केबिन बन जाता है, आप देख सकते हैं। तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे प्राइवेसी मिलती है। तो ये शानदार फ़ायदा है शिवनाथ ट्रैवल्स के साथ। बाकी अभी मैं आ गया हूँ डुअल स्लीपर में और सेम इसके अंदर तरफ आप देख सकते हैं वाटर बोटल होल्डर है, राइट। और चौड़ी सी सीट है क्योंकि दो आदमी यहाँ पर बैठते हैं, राइट। और सामने कुछ ऐसा दिखता है। सेम आपको इधर भी आप कर्टेंस लगा सकते हैं और इसको भी पुल करके आप बंद कर सकते हैं, राइट। प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है, केबिन टाइप का बन जाता है। और इधर दो आदमी सफ़र करते हैं क्योंकि ये डुअल स्लीपर है तो बीच में आपको पार्टीशन मिल जाता है और प्रॉपर पिलोज मिल जाता है। आप पीछे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पीछे में काफ़ी कॉम्फी ये बैकरेस्ट दिया गया है और एक पिलो देख सकते हैं आप, प्रॉपर पिलो दिया गया है और MG का आपको डिज़ाइन लगेगा ये, राइट। MG भी ऐसे ही देती है, सेम टू सेम वैसे ही दिया गया है। तो ये बहुत शानदार मेरे को लगती है डिज़ाइन। और इधर आप एक देख सकते हैं मोबाइल होल्डर दिया गया है, देख सकते हैं। कर्टेंस के पास ही विंडो के जस्ट नीचे आपको चार्जर मिल जाता है, मोबाइल चार्जर, और एक और मोबाइल होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो गाइस बस आपने देखा काफ़ी शानदार बस है और वैसे ही उतनी ही पंक्चुअल इनकी सर्विस है और नीट एंड क्लीननेस तो आपने देखा ही, उसका कोई कहना ही नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग ने रायपुर सिटी एग्ज़िट कर ली है और हम लोग ने पकड़ लिया NH 53। तो गाइज रात के 11:40 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं हरातर और यहाँ पे हम लोग ने ले लिया अपना डिनर ब्रेक। और होटल देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा होटल है संध्या भोजनालय करके, यहीं पे हम लोगों ने ले लिया अपना डिनर ब्रेक। और ये रहा हम लोग का बस और पीछे देख सकते हैं राजहंस भी आ रही है, राजहंस भी पहुँच गई है। गाइस दोनों बस की यहीं पे डिनर हॉल्ट है, तो चलिए खाते पीते हैं और आपको रिव्यू बताते हैं कैसा है खाना यहाँ का। तो गाइस इधर हमारा खाना आ गया है, मिक्स वेज है, 3 रोटी, 100 रुपया पड़ा है ये चीज। बाकी देख सकते हैं ये कुछ है अपना ढाबा,
खाता हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको टेस्ट। तो गाइस टाइम हो रहा है 12:05 और खाना हम लोग ने खा लिया है। ओके ओके टेस्ट है, आप भी यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं। बाकी बस हमारी रेडी हो गई है यहाँ से निकलने के लिए। रायपुर से यहाँ तक हम लोग ने लगभग कवर कर लिया है 150 किलोमीटर्स। लगभग मैं आपको बता दूँ 550 किलोमीटर्स और यहाँ से बाकी हैं। इस टाइम हो रहा है 12:10 और हम लोग पहुंच चुके हैं सराईपल्ली। गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आरटीओ चेक पोस्ट बॉर्डर का, कुछ ही देर में हम लोग एंटर कर जाएंगे उड़ीसा। गाइस टाइम हो रहा है 12:40 और हम लोग पहुंच चुके हैं उड़ीसा। तो गाइस टाइम हो रहा है 1:15 और हम लोग पहुंच गए हैं बारगर टोल गेट। गाइस अभी हम लोग महानदी के ऊपर हैं, लंबी चौड़ी ये ब्रिज बनाई गई है। बाकी बगल में देख सकते हैं आप, राइट साइड में ट्रेन पास होती है और इधर रोड ब्रिज है, उधर रेल ब्रिज जस्ट बगल में। तो गाइस टाइम हो रहा है 1:50 और हम लोग पहुंच गए हैं संबलपुर। बाकी संबलपुर के बाद हम लोग
सुंदरगढ़ जाएंगे। बाकी काफ़ी नींद आ रही है मेरे को, तो मिलते हैं फिर सुबह में जहाँ पे नींद खुलती है, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग तपकरा पहुँच गए हैं। तो गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग कुंकुरी पहुंच चुके हैं। गाइस टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोग लोडो घाट पहुंच चुके हैं। गाइस टाइम हो रहा है 5:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं जसपुर। तो गाइज एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 5:50 और हम लोग पहुंच चुके हैं जसपुर नगर, और पीछे में देख सकते हैं हमारी बस खड़ी है और ये बस स्टैंड पहुंच चुके हैं हम जसपुर का।
बस स्टैंड देख सकते हैं, बगल में राजहंस लगी हुई है, राधे कृष्णा की दो दो बसेस लगी हुई है, एक जो जसपुर तक जाती है और एक जो रांची तक जाती है। बाकी ये देख सकते हैं हमारी बस, काफ़ी शानदार लग रही है इधर। राजहंस बस निकल ही रही है इधर से रांची की ओर, हम भी कुछ देर में निकलेंगे। बाकी गाइस इधर देख सकते हैं राधे कृष्णा की बस, इसमें भी हम लोगों ने ट्रैवल किया है, व्लॉग ऑलरेडी लाइव है, लिंक मैं आई बटन पे डाल दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। और हमारी बस से लगेज उतारा जा रहा है, कुछ ही देर में फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है 6:05 और हम लोग निकल चुके हैं जसपुर से, और देख सकते हैं सुबह हो गई है। तो गाइस टाइम हो रहा है 6:30 और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ झारखंड का बॉर्डर। टाइम हो रहा है 8:47 और हम लोग पहुंच गए हैं निगड़ी। ये सर हम लोग के साथ रायपुर से ही आए हुए हैं राइट, और पूरा मैनेज कर रहे हैं फुल ट्रिप को। तो सर क्या नाम हुआ आपका? रुपेश प्रसाद। और कितने साल से आप शिवनाथ ट्रेवल्स में? 15-17 साल हो गया। तो अच्छा 15-17 साल है और पूरा देख रेख कर रहे हैं फुल ट्रिप का। तो आप ऐसे ही ट्रैवल करते रहते कि नया बस है इसलिए आए हैं सर? करते रहते हैं, ठीक है। तो देख इन्हीं के देख रेख में सब चीज होता है, तो अच्छा लगा मिलके आपसे। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:15 और हम लोग पहुंच चुके हैं कटहल मोड़ रांची, और यहां पे मैंने डिबोर्ड कर दिया बस को। तो टोटल जर्नी हमारी 600 किलोमीटर्स की यहाँ पे जाके ख़त्म होती है। टाइम लग गया हम लोग को 12 घंटे 15 मिनट यहाँ तक पहुँचने में, और बहुत शानदार सफ़र रही। आपने देखा बहुत आरामदायक बस था, एकदम पता नहीं चलेगा कि आप एक 12 घंटे की जर्नी करके आए हैं, इतना कम्फर्टेबल है ये बस। तो होप करता हूँ कि आप ये बस ज़रूर प्रेफर करोगे, और बहुत शानदार बस है, इस रूट में ऐसा बस कोई नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। बाकी आई होप कि मैंने सारा डाउट्स आपका क्लियर कर दिया होगा, फिर भी अगर मन में कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। बाकी व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सी या टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।